अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हलवे की रेसिपी। आज हम गाजर का मज़ेदार सा हलवा तैयार करेंगे, वो भी हलवाई वाले तरीके से। इस तरीके से हलवाई गाजर का हलवा तैयार करते हैं, बेहद मज़ेदार सा लगता है। इसी तरीके से आज हम ये रेसिपी आपके लिए बनाने जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में गाजरों का तो सीजन है ही, बाकी ठंड भी बेहद उरूज पर है। तो ठंडे ठंडे मौसम में ये गरम गरम गाजर का हलवा खाइए, आप बाजार के हलवे को भूल जाएंगे, इतना मजेदार बनता है ये गाजर का हलवा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम हलवे के लिए खोया तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1.5 से 2 लीटर दूध डाल रहे हैं। अब गैस को हाई पर रखकर दूध को हमने अच्छे से उबाल लेना है। या आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमने गैस को हाई पे रखा हुआ था, बस हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे और कंटिन्यू इसी तरीके से चमचा चलाते हुए हम अपना खोया तैयार करेंगे। जब भी आपको घर में खोया तैयार करना हो तो आप उसके लिए इसी तरीके से कोई भी कढ़ाई लीजिए या कोई चौड़ा बर्तन लीजिए, इससे हमारा जो खोया है वो अच्छा सा बनेगा, जल्दी से इसका पानी खुशक हो जाएगा। आधे घंटे में बड़ा जबरदस्त सा खोया हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो हम खोया तैयार कर रहे हैं इसकी बात ही कुछ हो रही है। अगर आप बाजार से खोया लेकर गाजर का हलवा तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। इस खोए के अंदर आपको बाजार जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये रियल खोया है। जब भी आपने गाजर का हलवा तैयार करना हो तो इसी तरीके से दूध का खोया आप घर में ही तैयार कीजिए, आपको गाजर के हलवे का टेस्ट ही कुछ और लगेगा। बेहद मजेदार और जबरदस्त सा बनता है ये खोया, बेहद मजेदार और जबरदस्त सा टेस्ट देगा ये गाजर के हलवे के अंदर। ये आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी खुशक हो चुका है, हमने इसका तमाम पानी खुशक कर लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और बाकी है, हमने इसको थोड़ा सा और इसी तरीके से पकाते हुए खुशक करना है। या आप देख लीजिए तमाम पानी इसका खुशक हो चुका है, बहुत अच्छा सा जबरदस्त सा हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 किलो गाजर ली है, बिल्कुल फ्रेश गाजर है ये, आप देख लीजिए हमने रेड कलर की गाजर ली है। कोशिश कीजिएगा कि आप रेड कलर की ही गाजर लें, इसमें मिठास भी अच्छी होती है और जो हमारा गाजर का हलवा बनेगा उसका कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। इसकी स्किन हमने रिमूव कर ली है, निकाल ली है और इसको अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हमने गाजर को कद्दूकश करने के बाद धोना नहीं है, बस हमने इसको इसी वक्त धोना है। अब हम इसे कद्दूकश कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको मोटे वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे। आप देख लें इस तरीके से ये मोटी मोटी हमने ग्रेट कर ली है, ज़्यादा बारीक आप इसको ग्रेट मत कीजिएगा, जो मोटा वाला हिस्सा होता है ग्रेटर का उससे ही आप इसको ग्रेट कीजिएगा। ये तमाम गाजरें हमने अच्छे से ग्रेट कर ली हैं, अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं। अब हम इसको डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1.5 कप चीनी ली है, ये शामिल कर रहे हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, या ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1.5 कप के बराबर चीनी शामिल कर दी। अब हमने इसको मिक्स करते हुए चीनी को अच्छे से घुला लेना है। यह आप देख लीजिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है और गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया है। अब आप चाहें तो इसको ढक्कन ढक के हल्की आंच पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख सकते हैं कि गाजरा आपके अच्छे से गल जाए, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चमचा चलाते हुए पकाएंगे। ये आप देख लीजिए इसको हमने अच्छे से पका लिया है और पानी भी इसका जितना था तमाम खुशक कर लिया है, गाजरें हमारे अच्छे से गल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम 1 कप के बराबर घी शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब घी के अंदर हम गाजरों की अच्छे से भुनाई करेंगे।
हमने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अभी हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर देना है और खोए को इसमें शामिल कर लेना है। ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा खोया बन के तैयार हुआ है। यह हमने शामिल कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा हमारा ये गाजर का हलवा तैयार हुआ है। यही हलवा आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएं तो बड़ा महंगा पड़ता है। आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा हमारा ये गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार सा हमारा ये गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है। बेहद लजीज और मज़ेदार बनता है ये, किसी भी बाज़ार के हलवे से कम नहीं है। ये बेहद लजीज बनता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, थोड़े से अखरोट लिए हैं और थोड़े से यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं। ये शामिल कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। हमने तमाम डाल दिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।